CNW चैनल लुधियाना सिटी लाइव से बिजनेस इंडिया टीवी देख रहे सारे श्रोते प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। सामने वाला आया है उड़ान मल्टी मीडिया वालों बहुत वधिया मैक आटा एक्सपो लाया गया है जो कि पूरा सक्सैसफुल है, बहुत गैदरिंग और जो आप कही और बहुत ही वधिया इंटरनेशनल पद्धर का यह एक्सपो आएगा। और जो तुम बिजनेस लैन आता तो जरूर उरे अपना विजिट करो। ये जी एक्सपो हैगी लुधियाना एग्जीबिशन सेंटर सानिया लुधियाना विखे लगाई गई है जिड़ी कि अपना 24, 25, 26 ते 27 फरवरी की हैगी है। और तुम बिजनेसमैन तो जरूर विजिट करो, मशीन बड़िया नवी नवी टेक्नोलॉजी दशीन ने उन्हें जुड़न लिए जुड़े रहो साडे चैनल CNW चैनल लुधियाना सिटी लाइव से बिजनेस इंडिया टीवी। कपल खन्ना गल कर दिया। हाँ जी सर, एग्जीबिशन से केड़ी केड़ी अपना किन्ने प्रोडक्ट आया तो किन साल लगी तो कड़े कड़े अम्बेसडर आए सर? इस एग्जीबिशन 602 कंपनियों ने अपनी स्टॉल लगाए हैगे है और 5000 तो ज़्यादा मशीन्स और प्रोडक्ट इतने डिस्प्ले देते हैं जेडे देश भर तो सारे देश तो एग्जीबिटर ने पार्टिसिपेट किया है। प्लस 10 तो ज़्यादा बाहर की कंट्री तो भी कंपनी ने आके अपने स्टॉल लगाए है। इस एग्जीबिशन की पॉपुलैरिटी लिए क्योंकि आप एक्सपोर्ट में भी प्रमोट कर रहे हैं 6 कंट्रीज तो अंबैसडर भी बुलाए, 6 कंट्री के अंबैसडर भी आए थे जितों की इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है, जिस तरह के नाइजीरिया तो कांगो मोजम्बिक अफ्रीकन कंट्री तो इवन टोरंटो तो भी 2 उतों की स्टेट के MLA उन्होंने भी इनवाइट किया गया कि अज वो आ रहे। इनॉग्रेशन जी थी वो सोम प्रकाश जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रिटायर्ड IAS उन्होंने इनॉग्रेशन से प्लस सानू हर एक तरह की इंडस्ट्रियल लीडरशिप का चाहे वो लुधियाना के मेजर इंडस्ट्री से पंजाब लैवल तो सारे इंडस्ट्रियल एसोसीएशन का सपोर्ट मिले है। जिदा अज साडे नाल संतोख सिंह जी है जिहड़े कि प्रधान है पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट मैनुफैक्चर एसोसीएशन। मैं कार्ड च अपना वास लिंकर तो भाजी आया अमित जी उन्होंने गल कर रहे। हाँ जी सर, किस तरह तुसी सपोर्ट कर दें सर? असी सर अज के डेट च ना जेडे बेसिकली स्मॉल स्केल सेक्टर है MSME लिए ना बहुत सारे इनिशिएटिव लेने रहने हैं। जेड़ा साडा ग्रुप है एज ए नॉलेज पार्टनर स्मॉल स्केल कंपनी से काम करता है। इतने अज जेड़ा है वेंडर डिवेलपमेंट प्रोग्राम कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ MSME वालों और जिदे विच बहुत सारे PSUs जिदे विच रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है सर, जेम पोर्टल जेड़ा बहुत वधिया पोर्टल है उसके सारे ऑफिशियल आए थे। असी जेड़ा है इंडस्ट्री के बिहाफ से उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की है भी इंडस्ट्री को कि प्रॉब्लम आ रही ने टाइम टू टाइम शेयर की। सर साड़ी फर्म जी है एज अ नॉलेज पार्टनर ना सरकार की जिन्नी स्कीम आंदी है मशीनरी सबसिडी एग्जीबिशन सबसिडी कोई तुम नवा प्रोजेक्ट लगाना वो जी सबसिडी आंदी है वह अभी पेपर वर्क हैंडल करते हैं। जे थोड़ी कोई पेमेंट मार्केट फस जाती है तो वो रिकवर करानी है वो अभी हैंडल करते हैं। उस तो इलावा जे कोई गवर्नमेंट टेंडर फाइल करना है वो अभी सारी कंसल्टेशन देने। सर की एड्रेस अपनी? एड्रेस साडा सर गिल रोड से ना ओवरलॉक रोड है, ओवरलॉक रोड के उत्ते BRM टावर है, BRM टावर 205 नंबर से साडे एड्रेस है। सर की शुभ नाम है ते एड्रेस? अनित शर्मा नाम है जी मेरा, नंबर मैं डायरेक्टर हाँ वास लिंकर प्राइवेट लिमिटेड का। जोड़ा है साडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाल और एसोसिएशन के नाल एक टाइप है सारी वर्किंग के लिए और इन ही असं अगे प्रमोट कर रहे हैं। सर कोई वैबसाइट आई है या नंबर देना? वैबसाइट साडी हैगी www.vaslinker.com। प्रमोट कर सकन ते ओ कर भी रहे ने और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इंडस्ट्री का। किस तरह सपोर्ट करते हैं मैक ऑटो? सर अभी यही करते हैं जी MSME की प्रॉब्लम है वो अभी इवेंट तक लेके आने भी की प्रॉब्लम है उन्होंने किदा सॉल्व कर सकना है जी उसी करवाने हैं। सर सर एक बार अपनी फर्म का एड्रेस से फोन नंबर जरूर? अभी वास लिंकर प्राइवेट लिमिटेड 205 BRM टावर गिल रोड लुधियाना। ठीक है तो इंडस्ट्री मैकाटो से असी इंडिको पावर टूल वाले की स्टाल से आए हैं। भाजी होना तो पूछ रहा अज डिस्प्ले से भाजी होना ने की लाया? हाँ जी भाजी, सर डिस्प्ले से सारे प्रोडक्ट अभी लेके आए हैं जिसे मेन प्रोडक्ट है राउटर
ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ 8 mm 12 mm ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੈ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੁੱਡ ਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲੋਕ 30 ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬਰਾਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ ਜੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਮਾਰਬਲ ਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਝੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆ ਆਰ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਰਾਊਟਰ ਕਮ ਟ੍ਰਿਮਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਰਾਊਟਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਰਾਊਟਰ ਜੇ ਤਾਂ 8 mm ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 mm ਤੇ 35-30 ਬਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈਐਸਟ ਸੇਲ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪਰ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50 ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 300 ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਸਰ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੇ 13 mm ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆ ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਗਨ ਆ ਸਰ ਹੀਟ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੀਡ ਆ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 100 degree ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸੀਮਮ 650 degree ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਰ ਬਲੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੱਕ 335 watt ਦਾ ਇੱਕ 520 watt ਦਾ ਆ 520 watt ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰਾ ਹਾਊਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਸਰ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਕਲੋਨੀ ਜਸਪਾਲ ਵੰਗਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹ www.andicopowertools.com ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 7347088176 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵੇਚੋ ਵਰਤੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲਗੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡੀਆ ਪਿਓਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਾਡੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੋ ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਕੋ ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 94 ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਰਾਊਟਰ ਜੀ ਜੀ ਬਲੋਰ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੀਟ ਗਨ ਤੇ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਰਬਲ ਕਟਰ ਤੇ ਵੁੱਡ ਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਆ ਸਰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆ ਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ ਸਰਪੰਚ ਕਲੋਨੀ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ www.andicopowertools.com ਹੈ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 7347088176 ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2007 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿਓਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਕਸ 6 month ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇ ਐਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 9814904050 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਲ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਤੇ ਆਇਆ ਆ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਸਰ ਇਹ 2 number ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜੀ ਇਹ 3 axis PLC ਕੰਟਰੋਲ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰ 1 number 1.5 number 2 number ਤੇ 3 number ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 size ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸਰ ਬਾਂਸਲ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਜਨਤਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸੈਬਲਿਸ਼ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 9915501027 ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
स्पेशली ये हैंड टूल वास्ते असी प्लायर हैंड प्लायर जिन्हों प्लास भी कह दें ओदी मशीनिंग वास्ते मशीन असी डिजाइन की है ते ये भी असी बहुत बढ़िया जिहड़े यूनिट ने साडे ओईएम ने उन्होंने हर ओईएम दे कोल साडे कोल रेगुलर मशीन चल रही है जी ये हाँ जी ये सर एक साइज हों जी ये यूनिवर्सल है जी एक साइज है जी सर बांसल मशीन टूल्स प्लॉट नंबर 2604 जनता नगर लुधियाना गिल रोड के उत्ते है जी 9915010027 मैं कहता हूँ असं बासल मशीन टूल की स्टाल से आए हैं आओ भाई तो पुछे हैं कि बिजनेस प्रोवाइल है सर कदों तो आप मशीन बनाया कि मशीन बना जी मेरा नाम है हरप्रीत सिंह ये साडा यूनिट 1979 तो स्टार्ट है फादर साहब सरदार अवतार सिंह जी ने स्टार्ट किया असं मिलिंग मशीन डील करते हैं स्पेशल परपज मशीन भी बनाने जिहड़ियां मिलिंग के रिगार्डिंग होंदिया ने ये असं हम डिस्पले से लाई है जी ये साड़ी दो नंबर मशीन 3 एक्सिस PLC कंट्रोल बेस्ड मशीन आई भी कोई गेयर कोई होर चेंज करन दी किसी चीज़ की लोड़ नहीं कोई गेयर कटिंग करना कोई सप्लाइन कटिंग करनी आ तुसी सिर्फ फीड करना उहदे विच ते जिन्निया सप्लाइन करनिया ने तुसी ऑटोमैटिक इहदे उत्ते कर सकदे हो अभी सर एक नंबर तो लैके तीन नंबर तक ये मशीन बना रहे हैं जी देखो जी मिलिंग के रिगार्डिंग ही साढ़े को कीवे मिलिंग भी PLC कंट्रोल आ जी उस जिमें हैंड टूल वास्ते असी मशीन बनाने प्लायर वास्ते वो हाइड्रोलिक ओपरेटेड होंदिया ने ते PLC कंट्रोल ओपरेटेड भी होंदिया मकैनिकल भी बनाने हर टाइप की मशीन बनाने साडा ये जनता नगर च यूनिट है जी बांसल मशीन टूल के नाँ से जनता नगर चे गिल रोड के उत्ते यूनिट है जी साडा मेरा नंबर है 9915010027 इस नंबर से मेरा व्हाट्सएप चल रहा कोई भी रिक्वायरमेंट हो मैं कहता जी अपना जी एग्जीबिशन लग्या उसे असं सनराइज अपना टेक्नोलॉजी वाले को आए हैं आओ भाई उन्होंने गल करते हैं सर की प्रोफाइल अपनी सनराइज जनरेटर सर और जोड़ा सा ऑफिस है ढोलेवाल चौंक के पंजाब लुधियाना के जोड़ा प्रोडक्ट अभी इतने लैके आए टाटा मोटर का जनरेटर लैके आए जी जी अगर आप फीचर की गल करें थोड़ा ब्रीफ कर दीचर ये टाटा कंपनी का जनरेटर है और जोड़ा इंजन जरा टाटा कंपनी का और ऑल्टरनेटर जो भी चाहता स्टैनफोर्ड कंपनी का और स्टैनफोर्ड जोड़ा है वर्ल्ड वाइड नंबर वन है टेक्नोलॉजी के और जिन्हें भी कॉम्पोनेंट्स आप जिन्हें मिलने वो वर्ल्ड वाइड मिलने प्लस जिम्मे आप इलेक्ट्रिकॉन पैनल की गल करते हैं पैनल भी जो यूज करते हैं डीपसी कंपनी है और डीपसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर वन है वर्ल्ड वाइड पर कनोपी होगी टाटा स्टील की कनोपी मिलेगी जी ये अच्छा अच्छा हाँ जी अपना किन्नी चिर की वारंटी दें 2 साल की पूरे जनरेटर की वारंटी है उस तो बाद ऑप्शन मिलती है एक्सटेंडेड 10 साल की वारंटी जी 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 हाँ जी की एड्रैस है सर की फोन नंबर है इधर एड्रैस जो है ढोलेवाल फ्लाईओवर मार्केट है जिटी रोड ढोलेवाल फ्लाईओवर मार्केट जिटी रोड लुधियाना मैं काटो एक्सपो दे विच असी अपना सनराइज जड़े टेक्नोलॉजी सोल्यूशन वाले को आए हैं भाई उन्होंने गल करते हैं हाँ जी भाई सर अपने को टाटा मोटर से जनरेटर मिलते हैं जी रेंज जी 25 KV तो लेके 125 KV तक के मिलते हैं जी जनरेटर आप डिस्प्ले किया 62 KV का जनसेट है टाटा मोटर वारंटी वारंटी जी 2 साल की कंप्लीट प्रोडक्ट की वारंटी है जी 5 साल की इंजन की वारंटी होंगी है और एक्सटेंडेड 10 साल की वारंटी है अभी ऑप्शन देने देखो जी हाँ नहीं देखो टाटा के प्लस पॉइंट ने सब तो वाला प्लस पॉइंट है कि स्पेयर पार्ट थोड़ा कितने भी मिल जाता है सेकेंड पॉइंट आता कि जी फ्यूल कंजम्पशन है फ्यूल कंजम्पशन यदि बाकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी आती है उस जिन्ना भी जनरेटर है सारा ही फुली लोडेड सेफ्टी आता ये अंदर अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो जेनसेट पहले ही स्विच ऑफ हो जाएगा और प्रोवाइडेड उसे नोट लिखा आएगा कि वो जेनसेट के दिक्कत आ रही है वो पहले ही तुम दस देगा पैरल ये सेम चीज़ा
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀ 25 ਕੇਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 125 ਕੇਵੀ ਤੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰ ਲਾਸਟ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ SCO 809 ਟੋਲੇਵਾਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9855470213 ਐਂਡ 9814000213। ਸਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ www.sunrisepower.in। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਾਟਾ ਦੀ ਡੀ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ 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 ਪਰ 25 ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 125 ਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜਨ ਪਹਿਲੇ ਟਾਟਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ 6 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧੀਰ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਟਾਟਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੋਲਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ KEL ਕਲੋਸਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਿਮਿਟਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਟਰਲਿੰਗ ਵਿਲਸਨ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ 6 ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ 2018 ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਸਟੈਂਫੋਰਡ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਟਾਟਾ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 14% ਜੀ 3 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੂਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਆਪਣਾ 67% ਸ਼ੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਰਿਲਾਇਬਲ ਔਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਜੈਨਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਓਰੀਜਨਲ ਇਕੁਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਟੇਟਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੇਲ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਟਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਔਰ ਕਲਰ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 200 ਸੈੱਟ ਵੇਚੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 400 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਰ 25 ਕੇਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 125 ਕੇਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ 8 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, J&K ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ। ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਲਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। SCO 809 ਢੋਲੇਵਾਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9855470213 9814000213 ਤੇ ਸਰ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sunrisepower.in ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਰੀਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ 2001 ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਰਹਾ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਰਿਸਪੋਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਟੋ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 2012 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਟੋ ਐਕਸਪੋ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਡਜੈਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਮਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਬੈਚ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਭੀ ਕਿਸੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਕੇ ਉਪਰ ਆਪ ਫਾਰਮਾ ਕੀ ਲਾਈਨ ਪੇ ਉਪਰ ਜੂਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਪਾਣੀ ਕਾ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ, ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਕੇ ਉਪਰ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਐਮ ਆਰ ਪੀ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਲੋਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਸਪਲਾਈ प्रिंटर सेल करके उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस कोड हम पूरा प्रोवाइड करते हैं। हमारा इन हाउस असेंबलिंग है, उसके बाद हम लोग टोटल इंस्टॉलेशन से लेके पूरा बैकअप देते हैं सर। पीछे यहाँ पे प्लस 25 पीपल्स इन वर्किंग इन पंजाब, जो सर्विस इंजीनियर है वो फील्ड में रहते हैं टोटल। हमारा ऑफिस जो दिल्ली में है, राजस्थान जयपुर में है, देन भोपाल में है, नॉर्थ साइड में हम पूरा कर रहे हैं कॉपरेट। मेरे जो डिस्प्ले पे लाई है, एक एक मशीन का नाम डाल जी। जी सर, ये ऑटोमेटिक लेवलिंग मशीन है जी। जी इसमें ऑटोमेटिक बॉटल फार्मा लाइंस में बेसिकली यूज होता है। फूड आइटम में आपको बॉटल पे प्रिंट करना है, अपर पे, डाउन पे, कहीं पे प्रिंट करना है तो आप इस एप्लीकेशन पे आप काम कर सकते हैं। साथ में बैच कोडिंग भी, साथ में रियल टाइम एम आर पी, एक्सपायरी, सब कुछ साथ साथ में प्रिंट होता जाता है। अगले नंबर पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिक फीडर स्टैकर है, इसके ऊपर आप बंडल के बंडल पूरा पैकेट के पैकेट जैसे मल्टीपल आपको प्रिंट करने हैं, मैनुअल एक एक प्रिंट करेंगे, ये लॉट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या, बंडल का बंडल 1000 पीसी, 2500 पीसीज का बंच रखो, पूरा का पूरा प्रिंट होके आगे जाता रहेगा सर विद एम आर पी एक्सपायरी। थर्ड वन, अगला जो मेरा प्रोडक्ट है ये बैच कोडिंग प्रिंटर है, फुली टच स्क्रीन, कोरियन ब्रांड है ये, फुली टच स्क्रीन है। आप मैनुअली एक एक प्रोडक्ट रखते जाएंगे, एक एक प्रोडक्ट इसको रखते जाएंगे, साथ में प्रिंट होता जाएगा। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ मैं जी। जी आप जैसे जैसे प्रोडक्ट हम रखते जाएंगे वहाँ पे प्रिंट होगा। ये हमारा कोडजेट सॉल्यूशंस के नाम से है, कोडपैड हमारा खुद का ब्रांड है सर। लाइक दैट जैसे जैसे प्रिंट करते जाएंगे और आपका प्रिंट उस पर होता जाएगा जी। ये ऑनलाइन प्रोसेस रहता है सर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका वहाँ पे पैकिंग के साथ साथ प्रिंटिंग होके आपको डिस्पैच में चला जाता है। थर्ड वन पे मेरे पास फिर थर्मल टेक्नोलॉजी है, जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा हमारा वर्कलोड कम है, सस्ती टेक्नोलॉजी चाहिए, वी कैन प्रोवाइड। मेरे पास जो प्रिंटिंग है वो 18,000-18,000 रुपए से लेके मेरे पास 4.5 लाख का प्रोडक्ट है मेरे पास। एज पर योर रिक्वायरमेंट, हम पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं प्लांट में आके, आपके सैंपल्स देखते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, क्या एप्लीकेशन है, फिर हम आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट मेरा सुटेबल रहेगा जी। जी सर, अपना कंपनी का नाम, फोन नंबर? मेरी कंपनी का नाम कोडजेट सॉल्यूशन है, जलंधर में हमारा हेड ऑफिस है और लोकल पंजाब के अंदर 25 प्लस इंजीनियर्स हैं जो फील्ड में जॉब कराते हैं एवरी टाइम, सेल्स टीम है हमारे पास। मैं काटा अक्सर च अपना कोड जेट सोल्यूशन वाले की स्टाल लगी है, भाई उन्होंने गल करते हैं जी। सर की प्रोफाइल आई? सत श्रीकाल जी, सबसे पहले थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए हैं, हमारे प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले के लिए कर रहे हैं। बेसिकली हमारा बेसिक है हमारा बैच कोडिंग प्रिंटिंग के रिलेटेड, आप किसी भी फूड आइटम के ऊपर या फार्मा लाइन्स में मल्टीपल जहाँ पे एम आर पी एक्सपायरी आप पढ़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो इंडस्ट्रियल प्रिंटर हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा हमारे पास रहता है। बेसिकल मेरे छोटे से, मेरा 18,000 से लेके अप टू प्लस 4 लाख रुपीज तक हमारे पास पूरा सोल्यूशन है, बैच कोडिंग प्रिंटिंग, एमआरपी, एक्सपायरी, लॉट नंबर, बैच नंबर, एक्स्ट्रा सारा भी रहता है उसमें, हम रियल टाइम प्रिंटिंग सारा करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो हमारे पास प्रोडक्ट लाइन लाइन में अभी मेरे पास एक स्मॉल हैंडहेल्ड से शुरू है, ये प्रोडक्ट मेरा जो हैंडहेल्ड लाइन में हैंडहेल्ड प्रिंटर है ये अप्रॉक्सीमेट 18,000 से स्टार्ट है मेरे पास। उसके पास हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है ये, इसको बोलते हैं इंकजेट, इंकजेट बैच कोडिंग प्रिंटर, अप टू 5 लाइन 8 लाइन तक हमारा कोड है, टच लाइन में है, इंपोर्टेड है, बाकी सर्विस सेंटर इन पंजाब हमारा दिल्ली, राजस्थान, भोपाल वगैरह में ऑलरेडी हमारे ऑलरेडी ऑफिस चल रहे हैं, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, यहाँ पे टोटल पंजाब में हर लोकेशन पे हमारे ऑफिस हैं।
हमारा सेकंड टाइम पे हमारा ये ट्रैकर है, ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम में फीडिंग करते जाइए, ऑटोमेटिक फीडिंग होता रहेगा, साथ में बैच कोडिंग प्रिंटर। अगला कंसेप्ट हमारे पास है लेबलिंग लाइन का, इसमें लेबल बॉटल लेबल के ऊपर बॉटल ऑनलाइन जाता है, वहाँ पे लेबल लग के लेबल आगे जाता जाता है, साथ में बैच कोडिंग, एमआरपी, एक्सपायरी, रियल टाइम, रियल डेट, आपको जो भी प्रिंट करना है वो। हाँ जी सर। सेकंड नंबर बैच कोडिंग के रिलेटेड एमआरपी, एक्सपायरी हो गया आपका, रियल टाइम, जूस वाली इंडस्ट्रीज हो गई, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री हो गई, थर्ड वन हमारा फूड इंडस्ट्री हो गई, ब्रेड इंडस्ट्री हो गई, कंप्लीट जहाँ पे आप एमआरपी, एक्सपायरी वगैरह कोई भी प्रोडक्ट पे आप पढ़ते हो तो हम उसका सोल्यूशन देते हैं। बाकी हमारा लोकल टीम है, सर्विस कोर्ट हमारी सारी लोकल रहती है यहाँ पे। कुछ एमएनसी कंपनीज हैं इस सेगमेंट में, लेकिन क्या उनकी प्रोडक्ट रेंज कॉस्टिंग ज़्यादा है, प्रोडक्ट वो सस्ता दे देते हैं बट उनकी जो कंज्यूमेबल कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, वो ऑलमोस्ट 3 गुना है हमसे। तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ मैं कि जो भी इंडस्ट्रीज इस इंडस्ट्री में और लोग काम कर रहे हैं उससे मेरा प्रोडक्ट उनसे चीप है, उनसे सस्ता प्रोडक्ट है, क्वालिटी में मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है उनसे, मेरा कंज्यूमेबल और सर्विस सपोर्ट हमारी 24/7 हम लोग कस्टमर के लिए सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो काइंडली एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए, हमारे प्रोडक्ट को एक बार आप यूज करके देखिए, श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। एड्रेस क्या है? हमारा जो जो हेड ऑफिस का एड्रेस है वो जलंधर में है, जलंधर बेस्ड कंपनी है ये, कोड जेट सॉल्यूशंस के नाम से, रामा मंडी हुशियारपुर में हमारा बेस्ड है। वन ऑफिस इज इन दिल्ली, वन ऑफिस इन जयपुर, वन इज ऑफिस इज चेन्नई, देन ऑल ओवर हम लोग इंडिया में अभी एक्सपेंडेशन कर रहे हैं। लाइफ रहती है प्रिंटर की, बाकी 1 ईयर की वारंटी रहती है और वे टू प्रॉपर सर्विस का पूरा बैकअप, कंज्यूमेबल पूरा बैकअप, सब कुछ हमारे पास इन हाउस रहता है। एड्रेस हाँ, कोडजेट सॉल्यूशंस है अपना, नियर बसंत हिल, नियर सब्बे, हुशियारपुर रोड, रामा मंडी, जलंधर। मोबाइल नंबर है मेरा 9779168079 और ऑफिस का सेकंड नंबर है 9815065600, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। हाँ, मेरी वेबसाइट में आप सर्च कर सकते हैं www.codejetsolutions.com पे या YouTube चैनल पे कोडजेट सॉल्यूशंस पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, Facebook पे कोडजेट सॉल्यूशंस के नाम पे आप सर्च कर सकते हैं आप हमें। मैं काटो तो अपना आया सी एक्सपोर्ट से जिथे की करम चक वाले ने स्टॉल लाई है, भाई होना ना गल कर दे दीदार भाई ना, भाई की कंपनी प्रोफाइल है, कदों तो शुरू हुई सी, केड़े केड़े प्रोडक्ट बना रहे हो? साडा जिहड़ा कंपनी दा नाम हैगा जी करम चक्स, जिदा नाम ही दस रहा चक्स, असी वर्क होल्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वर्क होल्डिंग CNC मशीन के हाइड्रोलिक चक हो गए, पावर चक हो गए, ट्रू चक हो गए, डॉक चक हो गए, वाइसिस हो गई, मैगनेट चक्स हो गए, सारी रेंज असी करते हैं और पिछले करीबन असी 25-30 साल तो असी इस सोल्यूशन के मार्केट के और 21 मिशन के नाल लगे हुए हैं कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना और जिन्हें भी इस फील्ड का जोड़ा भी बेस्ट प्रोडक्ट आ, चाहे वह पावर चक हो, ट्रू चक, डॉक चक, साढ़े को अवेलेबल आ। असी चक्स के सीको का हो गया सब तो बेस्ट, जोड़ा मैनुअल चक्स से पावर चक्स, फिर एक GMT टैक के टगावा, जैनसन, जीथर, टर्नो, ये सारे ब्रांड असी डील करते हैं। फिर साढ़े को यूनीक दिया वाइसिस ने, रिवॉल्विंग सेंटर ने, लाइफ के और प्रगति के रोटरी सिलेंडर जोड़े पावर चक वास्ते आ, और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैटो के बने हुए असी न्यूमैटिक सिलेंडर चक्स भी दें, कॉलर चक जो इनबिल्ड सिलेंडर, सिलेंडर में ही आता वो भी असी डील करते हैं। सो साडा मेन परपज हैगा मार्केट के नू क्वालिटी के सोल्यूशन प्रोवाइड करना और पिछले सालों तो कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि असी लोगों ये सोल्यूशन देंदे रहेंगे ताकि उन्हों की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, कॉस्टिंग सारा कुछ इंप्रूव हो। www.karmchaks.com या गूगल पे या कितने भी करम चक्स सर्च करोगे तो असी तुहाडे दिल तक पहुंचा। मैं काटो च आया सी जी जिथे की अपना करम चक वाले ने स्टॉल लाई है, भाई उन्होंने गल करते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, सत श्री अकाल सारियां, मेरा नाम कुशाल सिंह आ, मैं इतने सीको ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव हाँ। असी 1958 तो चक्के बना रहे हैं ते साडे कोल चक्कियां दी सारी रेंज हैगी है, चाहे वह इंडिपेंडेंट चक होवे, चाहे वह स्क्रोल चक होवे, चाहे वह पावर चक होण, ते असी बहुत मेहनत नाल अपने प्रोडक्ट्स नूं बनाने हैं। जिदा कि तुसीं इत्थे देख सकदे हो साडे कोल अपने मैनुअल चक दी सारी सीरीज हैगी है ते असी बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट लई बनाने हैं। किन्ने तरह दे चक्के बनाउंदे?
ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੱਕੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੈਲ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਚੱਕੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਚੱਕਾ, ਡਸਟ ਪਰੂਫ ਚੱਕਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ ਚੱਕਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-30 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 50 ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਜ਼, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋਬ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਬਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਨਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ 100% ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1958 ਦੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਡ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹੀ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ। ਮੈਂ ਕਾਟੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋ ਦਾ? ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆ, ਸੈਚਰਡ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੈਸੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਾਟੋ ਦੀ ਸਟਾਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਨੀ ਟੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਆਓ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਟੈਟਫੀਲਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰ ਸੈਨੀ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਟੈਟਫੀਲਡ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੈਟਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਨਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਗਨ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਆਉਣ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਇਹ 2022 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 100% ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਫਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸੈੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਨ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈੱਟ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈਨੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਰ ਇਸ ਜੋ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਜੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਆਜ ਕੀ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹ ਆਪ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਗਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਗਨ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇ ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ, ਆਪਕੇ ਸਕੂਟਰ ਕੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ, ਸਕੂਟਰ ਹੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਆਲ ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਨਸ ਹੋ, ਸਭ ਤੇ ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੇ, ਉਹ 40% ਸੇਵਿੰਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਗਨ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਫੀਲਡ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਫੀਲਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਸਪਲਾਇਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ, ਸੈਨੀਟੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
और जी है सर, ये प्रोडक्ट ही काफी है जी। एक मतलब एक मोनोपोली के रूप में है, अदर कंपनी है फॉरन में जर्मन फ्रांस एंड चाइनीज, बट इंडिया इज ओनली सिंगल कंपनी। क्या एड्रेस है आपका? चंडीगढ़ रोड स्ट्रीट नंबर 20 आजाद मार्केट सैनिटेक इंजीनियर। क्या नंबर क्या है? 9814101041। सर एक्चुअली वी हैव स्पेशलिटी टू सप्लाई पाउडर कोटिंग प्लांट एंड पेंट शॉप फॉर इंडस्ट्रीज पर्पज। स्ट्रीट नंबर 20 आजाद मार्केट चंडीगढ़ रोड लुधियाना। थैंक यू सर। श्री नवीन जोशी जी ऑफिसर फ्रॉम जैन पंचकुला, श्री पुनीत कुमार जी ऑफिसर जैन फ्रॉम चंडीगढ़, श्री चिरंजीत सिंह जी जनरल सेक्रेटरी न्यूक्लियर क्लब लुधियाना, श्री एन पी गुप्ता जी डायरेक्टर शिशु, श्री ए के त्यागी जी असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल, भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस लुधियाना की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा अपने डायरेक्टर साहब से कि वो श्री अनुराग अग्रवाल जी को यहाँ पर मैं काटो च एक इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है आओ उन्होंने जड़े मेन चीफ गेस्ट आया उन्होंने गलबात कर दिया। हाँ जी सर, किस तरह का प्रोग्राम है जिहड़ा जी? मैं आप ऐसे अपनी परिचय दिंदा, मैं अनुराग अग्रवाल है, प्रेजिडेंट मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन जी। अज साडी टीम इत्थों आई हैगी मोहाली तों जिहड़े देखण लई, जिहड़ा इह प्रोग्राम हैगा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम एमएसएमई डीएफओ लुधियाना ने किया हैगा। इह बहुत ही वधिया प्रोग्राम हैगा, एमएसएमई नूं किवें प्रोत्साहन देना हैगा, ते जिहड़े इह पीएसयू हैगे ने लुधियाना अपने इस एरिया च जिवें आरसीएफ हैगा, पीएलडब्ल्यू पटियाले हैगा, ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री हैगी है, तो उन्होंने एमएसएमई की माल दे सकती है, उन्होंने अपना माल डिस्प्ले किया है, एमएसएमई जी इतने आएगी उन्होंने देखेगी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इतने कर सकती हैगी है। सानू दसा गया अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ का समान ये पीएसयू खरीदिया ने, तो जिस एमएसएमई का शेयर घट हैगा, तो आप चाहते हैं कि इस उपराले एमएसएमई का शेयर वधूगा इतने, तो पंजाब तो बिजनेस आएगा, तो बहुत बड़ा उपराला हैगा। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता है एमएसएमई डीएफओ को कि इन्होंने ये किया है, तो मैं चाहवागा इन्हों की इस तरह के प्रोग्राम होर कर साडे मोहाली च भी करन, प्रसाद मिले जी। हाँ जी सर। हाँ जी, मैं राजीव जैन जनरल सैक्रेटरी फीको, अज का जोड़ा उपराला किया है डी एफ ओ एम एस एम ई ने, ये एक तरह का डिफरेंट है जिन्हों कहने आत्मनिर्भर भारत वो तहत किया गया है, और एम एस एम ई प्रोत्साहन करने वास्ते कि असी अपना मेक इन इंडिया वाला काम जोड़ा है वो असी करिए, और जिन्ने को कंपोनेंट्स जोड़े इतने है असी ज्यादा ज्यादा इतने इन हाउस मैनुफैक्चर करिए इंडिया के, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी है कि 20% जोड़े ने मटीरियल है वो गवर्नमेंट टेंडर के एम एस एम ई को लेते जाएंगे, तो इस दौरान असी कहने साड़ी एम एस एम ई प्रोत्साहन होएगी, इंडस्ट्री इतने लगेगी ताकि लोग ज्यादा तो ज्यादा लैनगे, और मोर ओवर मेक इन इंडिया का जो सपना है साडे प्रधानमंत्री मोदी जी का वो पूरा होएगा। नमस्कार सर, मैं पहले अपने बारे दस देव, मेरा नाम दीपक चेची, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर कलस्टर डेवलपमेंट अफसर हाँ पूरे पंजाब के चंडीगढ़ का। साड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसके तहत कि जो टोटल प्रोक्योरमेंट किसी भारत सरकार के किसी मंत्रालय ने सीपीएसयू पीएसयू ने करना है, उसमें 24% की सरकार ने वो आरक्षित किया है एमएसएमई को, कि वो जी 24% प्रोक्योरमेंट करनी है एमएसएमई सेक्टर को करनी है। हुण की होंगे कि जो बड़े पीएसयू है सीपीएसयू है उन्होंने वेंडर नहीं मिलते, छोटे एमएसएमई नहीं मिलते, तो साढ़े जिहड़े लोग अपने एमएसएमई है उन्होंने वो बायर नहीं मिल पाता, तो साडा जिहड़ा अज्ज दा प्रोग्राम है वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक जरिया है, इस जरिए के माध्यम असी दोनों जिहड़े एक
ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਪੀਐਸਯੂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ MSMEs ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੀਪੀਐਸਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MSME ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮਹੱਤਵ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ MSME ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁੰਨਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ MSME DFO ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ MSME DFO ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ MSME ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ ਕਾ ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਾਟੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ये आयोजित किया गया है। इसका मेन हमारा उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारी जो MSMEs हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और MSME को हमने बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कि वो हमारे जितने भी CPOs हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उनके साथ कैसे जुड़ना, क्योंकि सारी प्रोक्योरमेंट हमारी जो हो रही है वो उन्हीं से की जा रही है जिसमें कि हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसमें 25% ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो MSME से ही परचेज करना है, जिसमें 4% SC ST के लिए और 30% वुमेन के लिए मैंडेटरी किया गया है। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा विशेष तौर पर कि अभी जितने भी भारत सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय हैं या जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो सभी प्रोक्योरमेंट जैम के थ्रू मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आज के प्रोग्राम में जैम के ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी ये सारी जानकारी देंगे कि जैम में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे है और कैसे उनके साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है, साथ ही उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिजोल्व किया जाए ये सारा डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि हमारी जो MSME तभी स्ट्रेंथन हो पाएगी कि जब उनको सुविधाएं मिल पाएंगी भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही था हमारा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, जैसा कि हमारे ऑनरेबल PM साहब का भी सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हम तभी बन पाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा MSME को आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा MSME को सहयोग करेंगे और MSME से भी हमारा ये निवेदन किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा करके और हमारे CPUs हैं उनके साथ जुड़े अपना माल सरकार को सप्लाई। ये MSME ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ MSME ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ MSME ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ। देखो जी जिहड़ा इत्थे सैशन अंदर चल रहा है बड़ा इनफॉर्मेटिव सैशन है जिथे सानू पता लगता है कि वड्डियां वड्डियां कंपनियां दे नाल किवें बंदा जुड़ सकदा, क्योंकि पंजाब दे विच MSME इंडस्ट्री ने पिछले कई दहाकियां तो बहुत मेहनत नाल अपने आप नू इन्ना काबिल कीता है कि असीं अज रेल कोच फैक्टरी वर्गियां कंपनियां दे नाल जुड़ सकते हैं और BHEL वर्गी कंपनियां नाल जुड़ सकते हैं। तो ऐसी बड़ा अच्छा सेशन है जी, बहुत अच्छा लगे अटेंड करके। मैं काटो च अपना रेलवे कोच फैक्टरी कपूरथला तो आए हुए हैं, इन्हों की स्टाल लगी हुई है, बहुत बढ़िया स्टाल लगी है। सर तो पूछ रहे हैं, हाँ जी सर की प्रोफाइल अपनी इधर? ये मैं डिप्टी चीफ मटेरियल्स मैनेजर हूँ कपूरथला में, हम वेंडर डेवलपमेंट के लिए यहाँ आए हुए हैं और हमने आज वो आइटम शो किए हैं जो हमारे पास शो कम है वेंडरों के, जो आपके पास मिल नहीं रही, मिल नहीं रही, कम सोर्स है जी जी। और ऐसे आइटमों के लिए हम और वेंडर चाहते हैं अपन, क्योंकि आप जानते हो कि लेटर और मिलने ताकि आपके जो कम सी पड़ रही है माल वो पूरा मिले, और हम चाहते हैं पंजाब के लोग भी इन आइटमों को विकसित करें क्योंकि इन आइटमों में बहुत पोटेंशियल है जी जी, क्योंकि ये एक दो वेंडर ही है इसके इंडिया में, तो हम ये चाहते हैं कि ये आइटम लोग पंजाब के लोग बनाएं। जैसे आपकी रेलवे कोच फैक्ट्री है, एक आम बिजनेसमैन है, वो कैसे कॉन्टेक्ट करे आपको ये आइटम? हमारे लिए हमारा एक स्कैन किया हुआ वेबसाइट है हमारी, उसमें वेंडर डेवलपमेंट के लिए फोरम होता है जी जी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जी जी, ऑफिस में हमारे में आ सकते हैं, उसमें कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम दिया हुआ है वो भी है, आप उसके लिए विजिट भी कर सकते हैं। आपसे वैसे आपके पास जैसे मेनली कौन कौन सी आइटम शॉर्ट है आपके पास? हमारे पास देखिए ग्लास वूल एक आइटम है, हाँ जी, उसके बाद कर्टन क्लॉथ है जी जी, उसके बाद ये
फिल्म है ये जो कोच के ऊपर लगती है, जो आपको व्हाइट रेड कलर का कोच दिखता है ना, वो इसी फिल्म से दिखता है। इस तरह के आइटम केमिकल आइटम है, एफआरपी आइटम बहुत बनते हैं, एफआरपी के अंदर वो एक डिस्टेंस मैट बनाया जाता है, वो आइटम है। इस तरह के आइटम है हमारे, जो फोर्जिंग के आइटम है, जैसे ट्यूब्स हैं, ये भी कम है हमारे पास सेंटर। तो कभी भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, आज काफी लोग हमारी विजिट किया हुआ है, करीब हमारी आपके साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, काफी लोग जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि पंजाब के लोग आरसीएफ के साथ और जुड़े। मैं काटा च अपना वास लिंकर तो अजय आया अमित जी, उन्होंने गल करते। हाँ जी सर, किस तरह तुम सपोर्ट करते हो सर? असं सर अज के डेट च ना जे बेसिकली समॉल स्केल सैक्टर हैगा एमएसएमई लिए ना बहुत सारे इनिशिएटिव लेने रहने हैं, तो जोड़ा साडा ग्रुप है एज ए नॉलेज पार्टनर समॉल स्केल कंपनी से काम करता। तो इतने अज जोड़ा है वेंडर डिवेलपमेंट प्रोग्राम कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वालों, और जिद बहुत सारे पीएसयू जिद रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है सर, जेम पोर्टल जोड़ा बहुत वधिया पोर्टल हैगा, वे सारे ऑफिशियल आए थे। असी जोड़ा है इंडस्ट्री के बिहाफ से उन्होंने एक रिप्रजेंटेशन फाइल की है भी इंडस्ट्री में कि प्रॉब्लम आ रही ने टाइम टू टाइम, वो असी जी है शेयर कितने ने। सर साड़ी फर्म जी है वो एज अ नॉलेज पार्टनर ना, सरकार की जिन्नी स्कीम आदि है मशीनरी सबसिडी, एग्जीबिशन सबसिडी, कोई तुम नवा प्रोजेक्ट लगाना वो जी सबसिडीज आदि है वह असं पेपर वर्क हैंडल करते हैं, जो थोड़ी कोई पेमेंट मार्केट फस जाती है तो वो रिकवर करानी है वो असं हैंडल करते हैं। तो उस तो इलावा जो कोई गवर्नमेंट टेंडर फाइल करना है वो असं सारी कंसल्टेशन देने। सर की एड्रेस अपनी? एड्रेस साडा सर गिल रोड से ना, ओवरलॉक रोड है, ओवरलॉक रोड के उत्ते बी आर एम टावर है, बी आर एम टावर 205 नंबर से साडे एड्रेस है। शुभ नाम है? अमित शर्मा नाम है जी मेरा, फोन नंबर? मैं डायरेक्टर हाँ वास लिंकर प्राइवेट लिमिटेड का, जोड़ा है साडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाल और एसोसिएशन के नाल एक टाइप है सारी वर्किंग के लिए, और इनू ही असं अगे प्रमोट कर रहे हैं। सर कोई वैबसाइट आई है या नंबर देना? वैबसाइट साड़ी हैगी www.vaslinkar.com। किस तरह जी अपनी मैकाटो देख रहे हैं? मैकाटो बहुत वधिया है सर, एक बहुत वधिया प्लेटफॉर्म है, इतने तुम लगाओ जिदा इंडस्ट्री ने स्टॉल लाया तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिथे अपने जोड़े है प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकन, तो वो कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इंडस्ट्री का। मैकाटो नू सर असं यही करते हैं, जो डिपार्टमेंट जी एमएसएमई की प्रॉब्लम्स है वो असं इवेंट तक लेके आने भी की प्रॉब्लम है उन्होंने किदा सॉल्व कर सकना है, उसी करवाने हैं सर। सर एक बार अपनी फर्म का एड्रेस से फोन नंबर? असं वास लिंकर प्राइवेट लिमिटेड 205 बी आर एम टावर गिल रोड लुधियाना। ठीक है, तो इंडस्ट्री रिश्तों बेनती है जे तुम्हें किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आती है भाजी उन्होंने कॉन्टैक्ट करो, इन्होंने अपना नंबर। सी एन डब्ल्यू चैनल लुधियाना सिटी लाइव से बिजनेस इंडिया टीवी देख रहे सारे सत्तों को प्यार भरी सत श्रीकाल। मैं काटो च सरदार संतोख सिंह जी आए आए हैं जोड़े कि प्रेजिडेंट रहे एग्रीकल्चर दे, आप गल करते हैं एसोसिएशन दे सर ना। सर किस तरह का रहा जी? मैं काटो का 12वां एडिशन है जी। मेला बहुत वधिया जी, बहुत सानू ए मशीनरी जी असं नहीं देखी होंगी ना वो देखने मिलती है सानू, इन्हों बहुत सहयोग मिलता जी, बहुत बहुत मशीनरी बाहरली क्वालिटी नहीं मतलब जिम्मे इटली का मेला हों जी, इस तरह मेला हों जी।